हेलो 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 आवाज आ रही है तो कैसे मालूम पड़ेगा

ऑल राइट सो तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे गुड इवनिंग टू एवरी वन आज का हमारा क्लास फेस टू फेस स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा रेगुलर लेक्चर होते हैं डेली होते हैं आज आज का लेक्चर मैं ये बच्चों के साथ फेस टू फेस नहीं ले रहा हूं मैं अपने घर पे ले रहा हूं तो जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर को लाइव देखिएगा प्लीज गुड इवनिंग टू एवरी वन मैं पहले जानना चाहूंगा कि बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं ये लेक्चर में बच्चे अवेलेबल हैं कि नहीं आपको मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं और जितने भी फेस टू फेस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं वो मुझे मैसेज करके बताए कि यस आप प्रेजेंट हैं कौन कौन बच्चे फेस टू फेस वाले बच्चे प्रेजेंट हैं और आप बोलिएगा सर प्रेजेंट सर एफ टू एफ प्रेजेंट सर ओके कुछ बच्चे तो हैं अच्छा बच्चों ने मुझे लगता है वो वीडियो भेज दिया दे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया शानदार चलो बच्चों का मुझे वीडियो भी आ गया बच्चे हमारे क्लासरूम में ही बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है बहुत अच्छी बात है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ कि हमें आज क्या करना था आपका सबसे पहले मुझे बताओ होमवर्क क्या था होमवर्क से याद आया होमवर्क से याद आया कि आई थिंक कल शाम के आठ बज चुके थे और तुम लोग के मुँह बन चुके थे और मैंने तुम लोगों को बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं मैं छोड़ रहा हूं बाकी के क्वेश्चंस तुम एटलीस्ट देख के आना ठीक है ना तुम सबके मुंह बन चुके थे मुझे अच्छे से याद है तो बाकी तुम लोगों ने बोला था ठीक है सर हम क्वेश्चंस बाकी के देख के आएंगे क्या तुम क्वेश्चंस बाकी के पढ़ के आए सभी बच्चों से पूछ रहा हूं क्या सभी बच्चों मुझे बताओ क्वेश्चंस पढ़ के आए कि नहीं सर क्वेश्चंस रीड करके आने थे हर्षिका रीड करना यस yes, क्वेश्चंस आपको रीड करके आने थे आई एम मिसिंग द फेशियल expressions राइट नाउ ऑफ माई फेस टू फेस batch स्टूडेंट्स मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ मतलब मुझे इतना याद आ रही है उनकी कि अरे यार सामने चेहरे दिखते हैं ना दिख चेहरे देख के समझ में आता है कि हाँ यार कौन पढ़ के आए कौन नहीं पढ़ के आए सो आई एम मिसिंग दैट अगर हो सके तो अपने वीडियो से अपना चेहरा रिकॉर्ड करके बता दो कि हाँ आ, तुम करके आयो कि नहीं एनी वेज यस सो आपको रीड करके आना था ऑल right. आपको ये रीड करके आना था आ, तो रीड किया कि नहीं किया आपने जल्दी बताओ रीड किया कि नहीं रीड किया कि नहीं बच्चे लोग देखो मेरे को वीडियो कॉल लगा रहे हैं मतलब व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉल पे लगाना शुरू कर दिया मतलब वाह क्लास चल रही है क्लास के बीच में वीडियो कॉल लगाया जा रहा है कि देखो सर हम तो डायरेक्ट आपका आपको फेस दिखा देंगे अच्छा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना करें और डायरेक्ट यूट्यूब के चैट पर रिप्लाई करें मुझे ना दो दो अलग अलग फ़ोन पे फिर देखना पड़ेगा यस सर कर लिया ठीक है रीड करना था यस सर कर लिया बहुत बढ़िया देखिए मैं आपको बता दूं कि हम क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कर चुके थे उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस कर चुके थे ठीक है ना फिर 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 हम क्वेश्चन नंबर थ्री भी डिस्कस कर चुके थे ऑल राइट right. हम ये तीन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे उसके बाद अब हमें आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ऑल राइट हमें आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने अभी हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर पे बेटा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए चलिए आई होप आप क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने होगा इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च इलेवन यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट विद रीजन हाउ वड यू डील विद दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने एक सिचुएशन आई है द कंपनी इन्वेस्टेड रुपीज हंड्रेड लैक्स इन अप्रैल इन अप्रैल अब ध्यान से डेट देखिए थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन दिख रहा है फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन दिख रहा है ठीक है ना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन के में हमें इसका क्या इफेक्ट देना चाहिए और ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हुआ अप्रैल में मतलब मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट किया गया फिर से बोल रहा हूं एंडिंग है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी हंड्रेड लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया इन द एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ हमने किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए हंड्रेड लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ डूइंग सिमिलर बिजनेस द नेगोशिएशन फॉर विच हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर जिसके नेगोशिएशन भी स्टार्ट हो चुके थे यार चल क्या रहा है मतलब ईयर एंडिंग थर्टी मार्च खत्म हो गया ईयर एंडिंग मार्च खत्म होने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके नेगोशिएशन भी आपने मतलब आपने स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब उसका नेगोशिएशन भी करंट ईयर में स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है ये जो, ये जो जो इवेंट है पहली बात तो सच बताऊं ये इवेंट है ही नहीं ये एक ट्रांजैक्शन है ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है आपने किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अप्रैल में ट्रांजैक्शन किया ये कोई इवेंट थोड़ी हुआ इवेंट कोई घटना थोड़ी घटित तो हुई हमने तो सिंपल सा एक ट्रांजैक्शन किया है अंडरस्टूड और नॉट अगर मैं इसको लिंक करूं हमारे दूसरे क्वेश्चन से हमारे कल के अमिताभ वाले क्वेश्चन से आपको याद होगा कल हमने आखिरी आखिरी में लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें अमिताभ ने ट्वेंटी को एग्रीमेंट टू सेल कर दिया था जबकि सेल डीड रजिस्टर हुई थी मार्च के बाद तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हां ट्रांजेक्शन तो पहले ही हो चुका था पर मार्च के बाद इवेंट इवेंट क्रिएट हुआ यहां पर इस क्वेश्चन में मार्च के बाद इवेंट क्रिएट हुआ क्या इवेंट क्रिएट हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है मार्च के बाद जबकि जबकि अगर आप मुझे जवाब दीजिएगा आप लिख के प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा या फिर चलो मैं मैं आपको अलाउ करता हूं एटलीस्ट फेस टू फेस स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिप्लाई कर सकते हो थ्रू वॉइस नोट यस यू कैन यूज योर वॉइस नोट आल्सो क्वेश्चन नंबर फोर में साला क्वेश्चन नंबर फोर में थर्टी मार्च से पहले कुछ भी हुआ है क्या ट्रांजेक्शन मेन ट्रांजेक्शन ही अप्रैल में हुआ है जिसके नेगोशिएशन भी नेगोशिएशन भी इसी अप्रैल वाले ईयर में स्टार्ट हुए मतलब मार्च से पहले मतलब मार्च तक आपने कोई नेगोशिएशन भी नहीं किया आपने कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं किया तो फिर मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी क्या मुझे बताओ मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती, होती होगी क्या बिल्कुल नहीं दूसरी बात यहां पर अगर मैं ये बोलूं चलो अगर तो मैं बाद में बोलूंगा मैं वो केस चेंज करने का सोच रहा था पर मुझे आप सबसे पहले यहां पर मुझे जवाब दीजिए सभी बच्चे मुझे यहां पर जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए कि नॉन एडजस्टिंग नहीं सर नहीं सर नहीं सर का मतलब क्या होता है एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग ये आनंद आनंद ये वही है ना वो कल के एग्जाम्पल वाला जो डेटर था जो आठ करोड़ खा के भाग गया युगांडा ये आनंद वही है मेरे हिसाब से पॉइंट so ये कहता है कि नेगोशिएशन भी करंट ईयर में स्टार्ट हुआ इन्वेस्टमेंट भी करंट ईयर में हुआ तो थर्टी मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या थर्टी मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या नो सर no. yes, 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 ये वो होगा टिकटॉक वाला सॉरी टिकटॉक मतलब आंसू निकाल रहा था वो तुम्हारा मुझे नाम नहीं पता तो पॉइंट ये है वो दाढ़ी दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला तो क्या आंसर है अपन चलो आंसर पढ़े यस सर नॉन एडजस्टिंग वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी मुझे रिप्लाई करके बताएंगे ध्यानेश्वरी नॉन एडजस्टिंग वेरी गुड सेजल नॉन एडजस्टिंग वेरी गुड ब्रांड पाटिल ब्रांड पाटिल ये कैसा नाम होता है यस yes, सर चलो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हर्षिका आफ्टर द बैलेंसट डेट एज दो सिग्निफिकेंट इवेंट बोथ फेवरेबल अन फेवरेबल दटअअकर बिटवीन द बैलेंसटी डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी नॉन एडजस्टिंग सभी बच्चे बोल रहे हैं नॉन एडजस्टिंग रूशान ने बोला अच्छा ये है ब्रांड पाटिल ओके ये आदमी ये आदमी का नाम क्या है ब्रांड पाटिल का है देखो हम फेस टू फेस क्लास में नहीं भी है तो भी अपन फेस टू फेस जैसा माहौल बना सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू यूट्यूब देखो मतलब यही अपनी अच्छी बात है अकॉर्डिंगली द एक्विजिशन ऑफ अदर इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हाउ नो एडजस्टमेंट नो एडजस्टमेंट टू द दसेट एंड लाइब इज रिक्वायर्ड एज द इवेंट डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स

मेरा एनालिसिस यहां पर क्या कहता है पहली बात तो ये कोई इवेंट ही नहीं है इस आंसर में उन्होंने बोला है कि ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है नो no डाउट यहां पर इवेंट ही नहीं होता क्योंकि इवेंट मतलब कोई ऐसी घटना घटित हुई यहां पर घटना थोड़ी हुई यहां तो एक सिंपली एक ट्रांजेक्शन हुआ ईयर एंडिंग के बाद जिसका कोई रिलेवेंस एंडिंग पे नहीं है जिसका कोई रिलेवेंस ईयर एंडिंग पे नहीं है अंडरस्टूड और नॉट तो इसका हमें डिस्कलोजर एस फोर के हिसाब से करने की जरूरत ही नहीं है फिर क्या करें हाँ, फिर ऐसे केस में ऐसे केस में मैं आपको एक पॉइंट पढ़वाता हूं आपको याद होगा ये वाला पॉइंट लास्ट वाला ये, ये जो अंडरलाइन वाला पॉइंट यहां से समटाइम्स इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर डिस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्दो दे मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट दे मे रिक्वायर डिस्कोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू इनेबल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक प्रॉपर इवेल्युएशन एंड डिसीजन यहां पर ये वाला पैराग्राफ लिखने की नीड आ रही है पता है क्यों ये वाला पैराग्राफ लिखने की नीड इसलिए आ रही है क्योंकि पहली बात तो 31 मार्च के बाद आपने नेगोशिएशन स्टार्ट किया किसी एक कंपनी को टेक ओवर करने के लिए और 31 मार्च के बाद आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट करना इज अ ट्रांजेक्शन इट इज नॉट एन इवेंट इट इज सिंपली एन ट्रांजेक्शन अंडरस्टुंड नाउ इफ दिस इज अ ट्रांजेक्शन दैट दैट मीन यू कैन इधर यू कैन से इट इज अन एडजस्टिंग इवेंट जिसका कोई रेलिवेंस थर्टी फर्स्ट मार्च से नहीं है और यू कैन से एस फोर में यह आना ही नहीं चाहिए हाँ अगर आपको इसका डिस्कलोजर देना है आपको ऐसा लगता है कि डिस्कलोजर देना जरूरी है मटेरियल है पहली बात तो इसका डिस्कलोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने की जरूरत नहीं है पर अगर आपको इसका डिस्कलोजर देना है तो आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आप इसका डिस्कलोजर दे सकते हो क्योंकि उसका इतना सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट को लगता है कि यह बताना बहुत जरूरी है तो अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में इसको, इसको अपन अपन इसको इसको रिपोर्ट कर सकते हैं आई मेरी बात समझ में कि नहीं मुझे बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके आंसर को बदलेंगे हम इसके आंसर को लिखेंगे यहां पर आंसर लिख रहा हूं मैं मैं आंसर लिख रहा हूं इन द अबव केस इन द अबव केस आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं मुझे जवाब दीजिए इन द अबव केस हंड्रेड लैक्स है कि करोड़ से हंड्रेड लैक्स हंड्रेड लैक्स इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अप्रैल 2011 एंड द नेगोशिएशंस ऑल्सो स्टार्टेड in same year this is simply a transaction and not event this is simply a transaction and not event The question is whether its impact should be disclosed or adjusted in the year ending. थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन इन दर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो जल्दी बताओ क्वेश्चन इज वेदर इट्स इंपैक्ट शुड भी डिस्क्लोज और एडजस्टेड इन द इर एंडिंग टू थाउजेंड इलेवन और नॉट और नॉट It should not be. It should not be very good. It should not be adjusted or disclosed in financial statements ending. थर्टी फर्स्ट मार्च अब आप इस लाइन के बाद इस वाले पैराग्राफ के बाद आप तीसरा ये वाला पैराग्राफ नोट कर लीजिए वाला ये लो वाला येलो कि समटाइम्स सम इवेंट्स और सम ट्रांजेक्शन अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर डिस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल दो दे मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट they may require a disclosure in the report of approving authority to enable the users of financial statements to make proper evaluation and decision therefore it should be disclosed in the report of approving authority बस ये पैराग्राफ लिख के और नीचे लिख दीजिएगा therefore it should be disclosed in the report of board of directors that's it आप अपना आंसर खत्म कर दीजिएगा आशीष खंडेलवाल लिख रहे हैं हर्षिका खंडेलवाल लिख रहे हैं very good सर करण आवाज कर रहा है करण आवाज कर रहा है क्यों भाई करण क्या हो गया तू अपनी जगह पर नहीं बैठा है क्या अपनी जगह चेंज कर दी क्या या तूने वो वो अपने वो तीन बंदरों के साथ अपने वापस से बैठ गया तू करण मैं बता रहा हूं वो तीन बंदरों के साथ मत बैठ वो तीन बंदर तो अपना अपना पढ़ाई कर लेंगे तेरे को पढ़ाई नहीं करने देंगे वो तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपको वो दो पैराग्राफ्स के बाद आपको ये वाला आंसर लिखना है ठीक है ऑल राइट right. यहां तक बात क्लियर यहां तक बात क्लियर अरे टेलीग्राम पे जो जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरे को ना क्लास ख़त्म होने के बाद या फिर अभी ऐसे ही मुझे ना आपने नाम के साथ रिप्लाई करना अभी ताकि मैं तुम लोगों का नंबर सेव कर लूँ ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कौन रिप्लाई कर रहा है सिर्फ मुझे समझ आया कि एक आनंद का रिप्लाई समझ में आ रहा है क्योंकि उसके नाम पे उसके साइड में आनंद लिखा हुआ है बाकी मुझे किसी का भी रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा सभी लोगों ने अपने अजीब से नाम बना के रखे हैं वो एंजल प्रिया टाइप किसी ने ब्रांड लिख के रखा है किसी ने वॉरियर लिख के रखा है हाँ ठीक है हो गए तुम वॉरियर यार मतलब पर अपनी रियल रियल आइडेंटिटी तो बताओ हाँ रूशान रूशान का नंबर सेव है मेरे पास चलिए तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको ये वाला ये वाला नंबर क्लियर ये वाला आंसर सबको क्लियर है कि नहीं इसमें अगर कोई डाउट पूछना तो डाउट पूछ लो वॉरियर का नाम है गिरीश अच्छा गिरीश अब याद आया कि कौन है भाई साहब ये ठीक है ये वॉरियर है गिरीश गिरीश इंटर एडवांस अकाउंट्स मई ट्वेंटी टू एप टू एप फेस टू फेस ठीक है हाँ बेटे हाँ वॉरियर चलो क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर डन किसी को क्वेश्चन नंबर फोर में कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए किसी को क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए स्पेशली मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूंगा जो क्लास में आमतौर पर डाउट पूछते रहते हैं करण डाउट पूछता रहता है तो करण कोई डाउट है कि नहीं स्वाति स्वाति वो आगे सबसे आगे बैठती है बैच में वो स्वाति डायरेक्ट एंट्री वाली शायद वो जिसने मेरी कंप्लेन कर दी थी प्रशांत सर को डाउट पूछना है तो पूछ ले बेटा स्वाति और और कौन डाउट पूछता है वो गायत्री गायत्री डाउट पूछते वो पीछे वाली वो तीन बंदर में से एक बंदर किसी को कोई डाउट पूछना है क्या ओके okay, करण को कोई डाउट नहीं है स्वाति को कोई डाउट नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फेस टू फेस ना होते हुए भी मैं आपके साथ फेस टू फेस वाला माहौल क्रिएट कर रहा हूं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं सर घर आ जाए क्या आपके पास बिल्कुल आ जाओ मोस्ट वेलकम ये लो लोकेशन ले लो लोकेशन ये ये मेरा करंट लोकेशन ले लो ये मेरा करंट लोकेशन दे दिया मैंने तुम लोगों को आ जाओ घर आ जाओ सब आ जाओ घर मस्त मिलके अपन छत पे चलेंगे अपन बढ़िया क्लास छत पे लेंगे अपन आज वो पुराने तरीके से जो क्लास लेते थे ना टेबल लगा के किसी की एक कॉपी में याद है तुम लोगों को बचपन में अपन ट्यूशन क्लास कैसे जाते थे वो टीचर अपने को कोचिंग क्लास में अपने को टीचर वो टेबल के बिठा देते थे किसी एक की कॉपी मांगते थे अपन सुधार अपनी कॉपी ले ले ताकि अपने को करना ना पड़े बढ़िया मैं कॉपी में सिखाऊंगा तुम लोगों को वो पुराना जमाना आ जाओ घर आ जाओ मजा आएगा बहुत मजा आएगा ए लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ ए लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन थर्टी जून याद रखेगा जून है ईयर ईयर एंडिंग एंडिंग जून जून है। है। ए लिमिटेड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंटिंग ईयर ऑन थर्टीएथ जून टू थाउजेंड इलेवन एंड अकाउंट फॉर दैट पीरियड वर कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ट्वेंटियइन अगर बनाए तो थर्टी जून जो है वो ईयर एंडिंग है और अप्रूवल हो रहा है ट्वेंटियथ ऑफ ऑगस्ट को तो यह वाला जो पीरियड है यह पीरियड अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है ठीक है द कंपनी वॉज इंगेज इन लिंक पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी एक कंपनी है मुझे एक मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला ऑयल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल जैसे शेल जैसे भारत पेट्रोलियम जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए एक पाइप बिछाना है मुझे मुझे लेइंग ऑफ पाइपलाइन मुझे एक पाइपलाइन डालनी है मुझे ठीक है ना मुझे पाइपलाइन डालनी है जमीन के नीचे से डीप बिनीथ द अर्थ जमीन के नीचे से मुझे पाइपलाइन डालनी, तो पाइप डालनी है जमीन के नीचे से मुझे पाइपलाइन डालनी है सबको पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं सबको पॉइंट में आ रहा है कि नहीं तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कंपनी से एक ऑयल कंपनी से कि मुझे उनके लिए एक पाइपलाइन डालनी है जमीन के नीचे से वाइल डूइंग द बोरिंग वर्क बोरिंग करना पड़ता है ऑन फर्स्ट सेप्टेंबर डेट देखो डेट डेट देखो डेट फर्स्ट सेप्टेंबर फर्स्ट सेप्टेंबर इट हैड मेड अ रॉकी सरफेस अ रॉकी सरफेस फॉर विच इट वॉज एस्टिमेटेड दैट देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द ट्यून ऑफ एटी लैक्स एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द ट्यून ऑफ सोला एसी की तैसी हुआ ये की हुआ ये कि फर्स्ट नाइन को फर्स्ट नाइन को सरप्राइजिंगली हमें लगा कि यार यहां तो एक रॉकी सरफेस है रॉकी सरफेस जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं था अब उस रॉकी सरफेस को रॉकी सरफेस को हटाने के लिए इट वॉज इसमें टू एक्स्ट्रा कॉस्ट टू टू हाँ इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी 80 लाख रुपीज की अब सोचो पॉइंट क्या है सोचो so, पॉइंट क्या है पॉइंट कुछ ऐसा है कि मैंने ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया पाइपलाइन बिछाने के लिए ऑयल कंपनी को मैं पाइपलाइन बिछा के दूंगा तो डेफिनेटली जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑयल ऑयल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा तो मुने, मैंने उनको एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा मैंने उनको अपना पता दिया होगा कि भाई मैं आपका सौ करोड़ रुपए में काम कर दूंगा मैं आपका हजार करोड़ में काम करूंगा मैं आपका 500 सौ करोड़ में काम करूंगा मैं आपका पांच हजार करोड़ में काम कर दूंगा मतलब बेसिकली मैंने उनको ऑलरेडी एक फिक्स प्राइस दे दिया होगा अपना एस्टिमेट करके सब कहानी अच्छी चल रही थी हमारा ईयर एंडिंग हुआ ईयर एंडिंग के बाद थर्टी यह हमारा ईयर एंडिंग है यह हमारा ईयर एंडिंग हुआ और यहां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव भी हो गए एक ना को अचानक से जो बोरिंग हम कर रहे थे क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के लिए हमें आ, बोरिंग करनी पड़ेगी खोदना पड़ेगा ना एक रॉकी सरफेस मिला जिसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई अस्सी करोड़ की अस्सी करोड़ है क्या है एटी एक्स की एटी लाख रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई उसमें हमारी टेंशन आ गई कि अरे बाप रे इसका तो सोचा ही नहीं था इसका सोचा नहीं था क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हमने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया है अब कौन सा वो घंटा साला ये तुम हमें रिमबर्स करोगे मतलब ये तो हमारा नुकसान हुआ फ्रेंकली स्पीकिंग यह हमारा नुकसान हुआ ना मेरी बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं बस ऐसे ही बकबक करता जा रहा हूं मैं बकबक करता जा रहा हूं कि तुम लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑयल कंपनी के साथ ऑलरेडी हो चुका है लेटेस से हंड्रेड करोड ठीक है ना मैं तुमसे हंड्रेड करोड़ रुपए लूंगा मैंने ये रॉकी वॉकी सरफेस का कुछ सोचा ही नहीं था अचानक से ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई एटी लाख रुपीज की तो ये तो मेरे मत्थे चढ़ गई ना ये तो मेरे मत्थे चढ़ गई ये मेरे को वो ऑयल कंपनी थोड़ी रीइम्बर्स करेगी मेरे को ये ऑयल कंपनी थोड़ी रीइंबर्स करेगी समझ में आ रही कि नहीं तो ये तो मेरा नुकसान हुआ मुझे इसको नुकसान को अपनी बुक्स में नोट करना पड़ेगा है ना ऑयल कंपनी मुझे रीइंबर्स नहीं करेगी यस वेरी गुड समझ में आ रहा है कि नहीं तो ऑयल कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी नहीं ये अस्सी लाख मेरे मत्थे चढ़ गए तो इसका मतलब मुझे इस अस्सी लाख को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा ये मेरा नुकसान है द थिंग इज कि क्या मैं इसको इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट मानू कि नहीं मानू हमारा जो पीरियड होता है एस फोर के अकॉर्डिंग वो पीरियड तो ये होता है AS4 के में स्टेटमेंट फॉर दर एंडिंग 30th जून वो कह रहा है 30th जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे इसको डिसक्लोज या एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं मुझे बताओ डिस्लोज या एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं इवेंट अकरिंग आफ्टर शीट डेट गिरीश वो तो पता है पर ये वाला जो इवेंट है क्या ये इवेंट आपके एस फोर के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है जवाब सब सबसे पहले मुझे ये दीजिए सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए कि ये इवेंट आपका ए एस फोर की डेफिनेशन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर एस्केलेशन 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 क्या मैं समझा नहीं एस्केलेशन मतलब क्या एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर होता तो डेफिनेटली यहां बोला जाता एस्केलेशन तो तब होता है जब हमने पहले से ही बोल दिया हो कि भाई अगर आगे कुछ ऐसी अनसर्टनिटी हुई तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे यहां कोई एस्केलेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं यहां पे एस्केलेशन क्लॉज है ही नहीं तो एस्केलेशन क्लॉज के बारे में तो सोचना मत तो अब तुम लोगों को यह देखना है कि ये जो रॉकी सरफेस का मिलना हमें हुआ ये घटना तो हुई क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि ये इवेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है द आंसर इज कि ये इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल के बाद हमें मिला है तो ये इवेंट तो ए में आता ही नहीं है जब ये इवेंट ए के बाहर हो गया तो फिर तो पॉइंट ही नहीं बनता इकते थर्टीए जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एडजस्ट करना है या फिर करना किसी भी तरीके से हम उसको थर्टीएथ जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट या डिस्कलोज नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव हो चुके हैं पर सर इसका सिग्निफिकेंट रेलिवेंस है ना रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में दे दो वही वाला पॉइंट वही येलो वाला पॉइंट समटाइम्स इवेंट अकरिंग आफ्टर द शीट डेट विच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना आपको एडजस्ट करने की जरूरत है ना आपको डिस्कलोजर देने की जरूरत है क्योंकि ये इवेंट टेक्निकली एस फोर के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा ठीक है ना दे विल नॉट रिक्वायर देखो क्या लिखा है वुड नॉट सॉरी वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर द डिस्कलोजर ना ही इसका हमें डिस्कलोजर करने की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो क्या करें ऐसे केस में अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है डिस्कलोज करना जरूरी है तो वो रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्कलोज कर सकते हैं बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं अगेन वंस अगेन मैं बोलूंगा ये वाला जो येलो वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट आपके इस क्वेश्चन का आंसर का पार्ट होना चाहिए अंडरस्टूड और नॉट तो पहले अपन आंसर पढ़ते हैं पहले अपन आंसर पढ़ते हैं इनका आंसर क्या है फिर अपन अपने बार, अपने आंसर्स के बारे में बात करेंगे ए एस फॉर कॉन्टेंजेंसी एवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एज सिग्निफिकेंट इवेंट बहुत फेवरेबल अनफेवरेबल बट दट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी पहला इन्होंने स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया आपको भी यही लिखना चाहिए इन्होंने इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन लिख दी जो कि इन्होंने बहुत सही लिखा हमें भी अपने आंसर में सबसे पहले तो यही यही फॉल हो रहा है ना कि ये इवेंट है भी कि नहीं है ए एस फोर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है तो यस yes, हमें इसको अपने आंसर uh, में सबसे पहले प्रोविजन तो ये लिखना पड़ेगा कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट होता कौन सा इवेंट है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में फॉल होता है द गिवन केस इज डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन इन दिस केस द इंसिडेंस विच वॉज एक्सपेक्टेड टू पुश अप द कॉस्ट बिकेम एविडेंट आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स so it is not an event occurring after the balance sheet date however this may be mentioned in the oh bhai however this may be mentioned in the report of approving authority main aapko bolunga ki ye answer inka bilkul sahi hai but additionally सिर्फ ये लिखना दिस मे बी मैं इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग authority उसके बजाय आप अगर ये, ये येलो वाला लिख के आ जाओ कौन सा ये वाला सम टाइम्स इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच डू नॉट अफेक्ट द फिगर्स स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वुड नॉट नॉर्मली रिक्वायर द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है ना ऑल्सो दे मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट दे रिक्वायर अ डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अपरो अथॉरिटी टू इनेबल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक द प्रॉपर इवेल्यूशन एंड डिसीजीजन्स तो आप ये लिख के आओगे और लास्ट में लिख के आओगे कि दिस शुड बी और दिस मे बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अपोविंग अथॉरिटी बट दिस इज नॉट एन इवेंट एज पर ए एस फोर मुझे बताओ आंसर समझ में कि नहीं मैं बार बार आपको इस येलो पॉइंट पर लेके जा रहा हूं तो आप इसका रेफरेंस कैसे देंगे आप इसका रेफरेंस कैसे देंगे बेटा आप इस पॉइंट का रेफरेंस कैसे देंगे मैं इसको लेके जा रहा हूं वेरी गुड समटाइम्स इवेंट्स अकरिंग पेज नंबर वन पॉइंट थ्री वाह वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया निधि सही 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 यहीं पर आप ऐसा लिख दो समटाइम्स इवेंट्स पेज नंबर क्या था कौन सा वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री यस वेरी गुड समझ आया कि नहीं अच्छा मेरा यहां पर आपसे सवाल है अगर रॉकी सरफेस तुम ही क्वेश्चन पूछ लो यार मतलब मैं पूछ लू अच्छा लगता है क्या तुम ही पूछ लो क्वेश्चन अगर ये रॉकी सरफेस अगर ये रॉकी सरफेस इधर नहीं मिलता और इधर मिलता यहां पर रॉकी सरफेस मिलता यहां पर अगर ये रॉकी सरफेस मिलता तो क्या करते अगर ये रॉक की सरफेस यहां पर मिलता तो क्या करते चलो अब बताओ तो ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एस फोर के अकॉर्डिंग आ रहा है AS4 के अकॉर्डिंग आ रहा है वेरी गुड है ना ए एस फोर के अकॉर्डिंग आ रहा है तो अगर ये रॉक की सरफेस यहां मिलता तो क्या करते एडजस्टिंग इवेंट की नॉन एडजस्टिंग इवेंट विद इन द अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ वो तो ठीक है एडजस्टिंग होता कि नॉन एडजस्टिंग होता रूशान कह रहा है एडजस्टिंग होता है सृष्टि कह रही है एडजस्टिंग होता मोहित कह रहा है एडजस्टिंग होता मोहित कह रहा है एडजस्टिंग होता तो जल्दी बताओ एडजस्टिंग होता कि नहीं होता एडजस्टिंग होता कि नहीं होता एडजस्टिंग रीजन क्या है एडजस्टिंग बोल रहे हो रीजन क्या है एडजस्टिंग इवेंट होने का आशीष खंडेलवाल बोल रहा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट हर्षिका खंडेलवाल आशीष खंडेलवाल हर्षिका खंडेलवाल तुम लोग दोनों तुम दोनों सेम फैमिली से हो क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट भाई बहन हो क्या निधि कह रही है नॉन एडजस्टिंग इवेंट चलो मुझे सोच के बताओ मुझे दो मिनट सोच के बताओ मैं आता हूं मुझे दो मिनट सोच के बताओ मैं आता हूं यस yes, बोलिए ये एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा बोलिए एडजस्टिंग इवेंट की नॉन एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट हम सेम फैमिली से नहीं है एडजस्टिंग अगर वो टेंडर बैलेंस शीट डेट से पहले लिया होगा नहीं बेटा ये रीजन नहीं हो टेंडर तो बैलेंस शीट पहले बैलेंस शीट डेट से पहले लिया है टेंडर का लेना रॉकी सरफेस का मिलना नहीं कोई कनेक्शन नहीं 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 चांसेस ऐसे तो आप लिंक नहीं कर सकते हो नहीं मान लो टेंडर तो बैलेंस शीट डेट से पहले ही लिया है टेंडर तो बैलेंस शीट डेट से पहले ही लिया है जल्दी बोलो हर्षिका सर कोई कंडीशन ऐसे हुई ही नहीं है जो बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट कर रही हो दैट्स वाई नॉन एडजस्टिंग क्योंकि रॉकी सरफेस का अचानक आया है बिकॉज इट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड वी डोंट हैव द एट डेट पर एक बार बोलूं। एक बार बोलूं। बार सरकम तुम्हें रॉकी सरफेस मिला बैलेंस शीट डेट के बाद पर जमीन के अंदर रॉकी सरफेस तो पहले से ही होगा ना मैं फाइनल आंसर पे नहीं आया हूं मैं अपने कंक्लूजन पे नहीं आया हूं किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति आंसर यह बोल सकता है कि सर हमें ये रॉकी सरफेस मिला बैलेंस शीट डेट के बाद पर ये रॉकी सरफेस तो सालों से पहले से ही पड़ा होगा ना मतलब 30 जून को भी तो रॉकी सरफेस रखा होगा ना वो तो हमने एस्टीमेट नहीं किया ये एक वैलिड पॉइंट है सोच के बताओ। सोच के के बताओ बताओ ये एक वैलिड पॉइंट है आपने मेरी बात सुनी कि भाई वो पत्थर था वो जो जमीन के अंदर पत्थर है वो पत्थर तो तीस जून को भी होगा ना मतलब डेट पर सरकम तो कर याद है नहीं, कि नहीं डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वाला पॉइंट कि फ्रॉड तो पहले से ही हो चुका था 31 मार्च को हमें नहीं मालूम पड़ा मालूम हमें बाद में पड़ा होगा वेरी गुड आपका नाम क्या है जिन्होंने वॉइस नोट भेजा है जिन्होंने वॉइस नोट भेजा है आपका नाम क्या है मेरे व्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको रॉकी सरफेस यहां मिलता है तो मेरा व्यू कहता है कि ये एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए कायदे से क्योंकि रॉकी सरफेस कोई नया नवेला नहीं आ गया कि मतलब भगवान ने ऐसे आशीर्वाद के ए रॉकी सरफेस आ गया ऐसा नहीं था रॉकी सरफेस तो पहले से ही था ना यार अस्मित अस्मित, अस्मित वेरी गुड अस्मित बोलो बोलो जल्दी बोलो बाकी किसी को अगर डाउट हो तो मुझसे पूछो और ये एक सेपरेट केस स्टडी अपने कॉपी में लिख लो मतलब ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये तो इवेंट ही नहीं है अब मैंने आपको केस बदल दिया तो या तो बुक में ही अलग से, में अगर के से पहले मिला है तो मेरा कहता है कि ये होना चाहिए क्योंकि रॉकी सरफेस वॉज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट ऑल्सो पत्थर तो बैलेंस शीट डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना हमें नहीं पता चला यहीं पर आप सोचो कि अगर हम 30 जून से पहले हमें टेंडर मिल चुका है 30 जून से पहले हमने बोरिंग करना शुरू कर दिया खुदाई करना शुरू कर दिया खुदाई करना शुरू कर दिया और 30 जून से पहले अगर हमें ये रॉकी सरफेस मिल चुका होता तो 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 तुम 30 जून से पहले इसका लॉस को प्रोवाइड कर चुके होते ना अब वो तो तुम्हारी टाइमिंग की बात है कि तुम उसको तीस जून से पहले फाइंड आउट नहीं कर पाए तुम उसको तीस जून के बाद फाइंड आउट कर पाए ये तो समय समय की बात है टाइमिंग की बात है ठीक है क्लियर बोलिए सो इन माय व्यू ये एक एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए अगर रॉकी सरफेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल से पहले मिला आपके कोई जवाब सवाल नहीं आ रहे आपका कोई आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है आपका कोई, कोई, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या या स्टिल अभी अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट नहीं हुआ इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन गया क्योंकि वो रॉकी सर्फेस मैंने अगर जिसमें अगर मैंने इसमें केस चेंज करवा दिया अब ये इंपॉर्टेंट बन गया अब ये इंपॉर्टेंट बन गया बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे एनीवेज़, नो रिप्लाई विल बी कंसीडर्ड एज की समझ में आ गया ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स मैंने आपको होमवर्क दिया था पढ़ के आए थे क्या पढ़ने को तो मैंने सारे क्वेश्चन बोले थे क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी बोलो पढ़ के आए गया

मेरे डेटर को उसके बिजनेस में नुकसान हुआ तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी ना क्योंकि मेरा पैसा अटका हुआ है मेरा पैसा अटका हुआ है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं और यह चीज मुझे किस दिन मालूम पड़ गई फरवरी में उस बेचारे को हैवी लॉसेस हुए ड्यू टू अर्थ को एक और उस भाई साहब ने इंश्योरेंस भी नहीं करवा के रखा फरवरी में घटना घटित हो चुकी है इन अप्रैल द डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट डेटर में अप्रैल में वो डेटर इंसॉलमेंट हो गया बताओ उसका इंसॉलमेंट होना इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट इट इज जस्ट एन एविडेंस इट इज जस्ट एन एविडेंस ये तो पहले से ही समझ में आ रहा था 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि उसको हैवी लॉसेस हुए हैं दैट मीन्स कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है यह एक एडजस्टिंग इवेंट है हमें बैलेंस शीट डेट पर 100 परसेंट प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए हमने अभी तक 5 परसेंट क्रिएट करके रखा है रिमेनिंग 95 परसेंट क्रिएट कर लो या तो आप बैड डेट क्रिएट कर लो दोनों में से कोई एक या तो आप 95 परसेंट रिमेनिंग प्रोविजन क्रिएट कर लो या तो आप पूरा पूरा फाइव प्रोविजन को रिवर्स करने के बाद आप हंड्रेड बैड डेट बना दो समझ में आया कि नहीं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैं इसका आपको आंसर नहीं पढ़वाऊंगा आई पर्सनली बिलीव कि ये क्वेश्चन इजी है और ऐसा क्वेश्चन हम पिछला लास्ट क्लास में भी कर चुके थे जल्दी बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं जल्दी बोलो यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं

तो ऐसे केस में इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो है बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता ठीक है तो इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पॉइंट येलो पोर्शन इंपॉर्टेंट है आंसर का किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें ये साले तुम लोग पीछे पी टीवी पे मुड़ के देख रहे हो करे <laughs> तुम पीछे टीवी पे मुड़ के देख रहे हो चलो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन टीवी में मैं क्या ज्यादा अच्छा दिख रहा हूं है? बड़ी स्क्रीन पे वो वो पर्दे पे अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या मैं पर्दे पे फीका फीका लग रहा हूँ पुराना पुराना और टीवी पे नया नया दिख रहा होगा है ना क्वेश्चन नंबर सेवन ड्यूरिंग द ईयर इलेवन ट्वेल्व ड्यूरिंग द ईयर इलेवन ट्वेल्व ड्यूरिंग द ईयर इलेवन ट्वेल्व नालायकों पढ़ लो जिंदगी में पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ लो नालायक पढ़ लो कुछ हासिल नहीं होगा बिना पढ़े ड्यूरिंग दर इलेवन सूड बाय अ कॉम्पिटिटर फॉर रुपीज फिफ्टीन लैक फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क चुरा लिया मैंने राज लिमिटेड ने कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क चुरा लिया जिसके कारण कॉम्पिटिटर ने राज लिमिटेड के ऊपर फिफ्टीन लाख रुपीज का केस कॉम्पनसेशन केस फाइल कर दिया बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द लीगल काउंसिल ऑफ द कंपनी राज लिमिटेड प्रोवाइडेड अ सम ऑफ रुपीज टेन लैक इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च अच्छा मैंने ट्रेडमार्क कब चुराया इलेवन ट्वेल्व में मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले केस कब हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले केस हुआ तो मेरे को मेरा वकील बोलता है कि भाई दस लाख रुपए तो मान के चल तेरे को करने पड़ेंगे तेरे को देना पड़ेगा मैंने बोल दिया ठीक है दस लाख का प्रोविजन बना के चल रहा हूं ऑन एटीन ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेल्व मार्च के बाद कोर्ट का डिसीजन आया फेवर ऑफ द पार्टी एलेजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कोर्ट का केस आया कोर्ट का केस मेरे अगेंस्ट में आया राज लिमिटेड के अगेंस्ट में आया कॉम्पिटिटर के फेवर में आया जिसका जिसने इन्फ्रिंजमेंट का केस किया था मतलब ये हो गया इवेंट अकरिंग आफ्टर लैख पे करना पड़ेगा दस लाख का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रिपेयर अप्रैल अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन थर्टीएथ मे तो मुझे अब बताओ कि ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा यस पेप्सोडेंट टाइप का हमने कल ऐसा केस देखा भी था कोलगेट पेप्सोडेंट वाला यस 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 वेरी गुड स्वाति कोलगेट पेप्सोडेंट वाला देखा था हमने तो मुझे बताओ ये क्या होगा सिंपल सा है यार केस मेरे ऊपर थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले फाइल हो चुका है मैं खुद मानता हूं कि मुझे इन्फ्रेंचमेंट मैंने किया है मुझे पे करना पड़ेगा पर मैंने सिर्फ दस लाख का प्रोविजन बनाया था बैलेंस शीट डेट के बाद कोर्ट केस आ गया कोर्ट केस का जजमेंट आ गया और जजमेंट मेरे अगेंस्ट आना था वो तो पता ही था बस ये है कि कोर्ट ने बोल दिया कि फोर्टीन लैक देना पड़ेगा ठीक है चार लाख रुपए का एडिशनल लाइब्रिटी क्रिएट कर लेते हैं एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है हा? और सिंपल सी बात बताओ यहां पर तुम सबसे पहले प्रोविजन में क्या लिख किया हो गे? सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द कंडीशन एक्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट ट्रीटमेंट क्या लिख किया हो याद है ट्रीटमेंट दो लाइन थी ट्रीटमेंट में हा? ट्रीटमेंट क्या लिख के आओगे ये 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 ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट क्या लिख के आओगे तुम लोग टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ असेट लाइब्रेट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू रिकॉग्नाइज द आइटम दैट वाज नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा है क्या हां करके रखा है कितना टेन लैख आप उसी को एडजस्ट करोगे उस लाइब्रेरी को बढ़ा दोगे तो जो पहला वाला लाइन हो रहा है वो अट्रैक्ट हो रहा है पर आप डेफिनेशन में दोनों लाइने लिख के आओगे टू एडजस्ट द असेट लाइब्रेटी अमाउंट ऑफ असेट लाइब्रेट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा लाइन क्या है टू रिकॉग्नाइज द आइटम विच वाज नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज नहीं 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 हमने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करके रखा था हाँ अगर क्वेश्चन में कहता कि हमने तो कोई प्रोविजन नहीं बनाया था हमने कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं था तो फिर आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 14 का प्रोविजन ठीक है आंसर क्या है एज पर एस फोर एडजस्टमेंट टू अट्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट That provide additional information evidence materially affecting the determination of amounts relating to the condition existing on the balance sheet date. In the given case, since Raj Limited was sued by the company competitor for infringement of trademark for which provision was also made by it. The decision of the court for payment of penalty will constitute as an adjusting event because it is an event occurred after the approval of before the approval of financial statement. Therefore, Raj.

क्लियर हुआ कि नहीं सर सो नेक्स्ट ईयर में आएगा सर ऑब्वियसली यस नेक्स्ट ईयर में आएगा ऑब्वियसली लेस नेक्स्ट ईयर में आएगा अगर अगर ये होता तो हम नेक्स्ट ईयर में तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एट पढ़ने को दे रहा हूं रीड यह आपका क्लास वर्क है आप ये क्वेश्चन अभी खुद रीड करेंगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ऑल राइट हेलो यस क्वेश्चन नंबर एट रीड किया तीन अलग अलग केसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अल्फा फॉर द ईयर इलेवन ट्वेल्व वर अप्रूव्ड बाई बोर्ड ऑफ राइटर्स ऑन फिफ्टींथ जुलाई ठीक है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वॉज फाइल्ड बाई पार्टी ऑन ट्वेंटी अप्रैल क्लेमिंग डेमेजेस पच्चीस लाख क्लेमिंग डैमेजेस पच्चीस लाख भाई सूट फाइल हुआ ट्वेंटी अप्रैल को यह तो नॉन एडजस्टिंग हुआ ना Non adjusting suit filed against the company is a contingent liability, but it was not existing under balance sheet date. Suit was filed on 20th April as per the as for contingency is restricted to conditions or situation to balance sheet date. Theke. Hence, it will have no effect on the financial statement and will be a non adjusting event. Very good. Dusra, the terms and conditions for the acquisition of business of another company has been decided by March. बट the फाइनेंशियल resources वर arranged इन अप्रैल अमाउंट इन्वेस्टमेंट was 50 lakh. डिसाइड हो गया कि हम बिजनेस takeover करेंगे पर पैसे नहीं थे पैसे हमें अप्रैल में मिले तो हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अप्रैल में किया क्या कह रहा है एडजस्टिंग इवेंट इन द गिवन केस टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वर फाइनलाइज बिफोर द बैलेंस शीट डेट एंड कैरीड आउट बिफोर द क्लोजर ऑफ Books of accounts but transaction for the payment of financial resources hence necessary adjustment to the assets and liabilities for the acquisition of business is necessary in the financial statements for year ending 31 अरे ये वाला आपको नहीं लग रहा कि ये same to same वो अमिताभ के type का है कि कहीं ना कहीं agreement पहले ही हो चुका था decide हो चुका था कि हां मैं तुम्हारी कंपनी को take over कर रहा हूं Actual payment सिर्फ मैंने तुम्हें 31 मार्च के बाद दिया तो ये क्वेश्चन इज एज गुड एज वो अमिताभ लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन था जिसमें वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा था पर सेल डी रजिस्टर हुई थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद वैसा का वैसा क्वेश्चन है अंडरस्टूड और नॉट क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं थेफ्ट ऑफ ऑफ कैश लाख बाय द कैशियर वॉज डिटेक्टेड ऑन सिक्सटीन ऑफ जुलाई विथ रेफरेंस टू ये भी तो एडजस्टिंग हुआ ये भी तो एडजस्टिंग हुआ नॉन एडजस्टिंग क्यों थेफ्ट ऑफ ऑफ कैश कैशियर ऑन ऑन मार्च डिटेक्टेड जुलाई एक सेकेंड सिक्सटीन जुलाई फिफ्टीन जुलाई ओके 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 सॉरी 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 डेट ऑफ अप्रूवल हमारी फिफ्टीन जुलाई है डेट ऑफ अप्रूवल फिफ्टीन जुलाई है और हमें डिटेक्ट ही सिक्सटीन जुलाई को हुआ ओहो oh, oh, देखो कितना उलझा रहा है वो डिटेक्ट डिटेक्टीन ये ए एस फोर में कवर ही नहीं होगा ये ए एस फोर में कवर होगा ही नहीं क्या मैं सही बोल रहा हूं अप्रूवल डेट के बाद डिटेक्ट हुआ है तो ये एस फोर में कवर नहीं होगा तो इसको हम एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते इवन हम इसको नॉन एडजस्टिंग भी नहीं बोल सकते हम इसका डिस्कलोजर भी नहीं कर सकते हाँ पर इसका अगर रेलेवेंस है दिखाना जरूरी है यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए तो आप इसको रिपोर्ट ऑफ अप्रोविंग अथॉरिटी में दिखा दो क्लियर है कि नहीं तो आप यहां पर एडिशनल आंसर लिख के आ सकते हो जवाब दो मुझे थके गए क्या ओ फेस टू फेस वाले बच्चों थकेले हो गए तुम लोग ओनली दो स्टूडेंट्स विच ओनली दो इवेंट्स विच अक्कर बिटवीन द और दैलशियर इंडिकेट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इसमें आप लिखोगे हाउ एवर याद है क्या पेज नंबर 1.3 वाला याद है ना रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में आएगा स्वाति पॉइंट नंबर वन फिर से ठीक है मैं आता हूं पॉइंट नंबर वन फिर से मैं आता हूं थर्ड वाला क्लियर है मुझे पर्सनली लगता है कि थर्ड वाले में आंसर आपको एडिशनलीफ अपनी कैश चोरी हुआ चीज है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यार, बताना नहीं चाहिए ट्रू एंड फेयर भी तो जरूरी है तो आप रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में बता दो स्वाति करिए सर फर्स्ट पॉइंट फिर से द पार्टी ऑन ट्वेंटी अप्रैल क्लेमिंग डेमेजेस ऑफ ट्वेंटी बेटा कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट किया होगा और उस एडवर्टीजमेंट पे ऊपर लोग छिड़ गए अरे वो बीच में आपने सुना होगा ना तनिष्क वनिष्क के ऐड आते हैं उसमें वो कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर बेवजह कुछ लोगों को मतलब ही मतलब है कि बस वो आ, मस्ती करनी है लड़ाइयाँ लड़वानी है तो मान लो कोई ऐसा ऐड आया जिसके ऊपर किसी पर्टिकुलर एक पार्टी ने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया अब केस फाइल कब हुआ अप्रैल को क्या थर्टी फर्स्ट मार्च कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या कि केस फाइल होगा नहीं क्या केस फाइल ऑलरेडी हो चुका था क्या नहीं तो क्या हुआ ये केस फाइल हुआ मार्च के बाद अब आप बोलोगे सर थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले एडवर्टीजमेंट तो हो चुकी थी ना अरे एडवर्टीजमेंट तो एक जनरल चीज हो गई ना जनरल इवेंट हो गया एडवर्टीजमेंट होने के बाद क्या हमेशा कंपनी बोलेगी नहीं नहीं कोर्ट केस हो सकता है हमारे ऊपर कोर्ट केस अगर थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले हो चुका होता तो हम एडजस्टिंग मानते यहां थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद हुआ है ठीक है इसको एग्जाम टिक कर दो इसको एग्जाम टिक कर दो बेटा बोलिए जल्दी बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो किसी 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 पॉइंट में डाउट हो तो बोलो अगर आप डाउट पूछ रहे हो और आपको फैकल्टी ने उस डाउट का रिप्लाई कर दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फैकल्टी को रिप्लाई करके बोले कि हां समझ में आ गया या नहीं आया फिर से समझा मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिप्लाई करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिप्लाई करने की चलिए Next question number nine. Question number nine. Question number nine. A company deals in petroleum products. Company deals in petroleum products. Sale price of petrol is fixed by the government.

गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए कैन द कंपनी अकाउंट फॉर सच एडिशनल रेवेन्यू एट द क्लोज ऑफ द ईयर क्या कंपनी इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए भाई प्राइस इंक्रीज कर देना आप ध्यान से समझो ध्यान से समझो ध्यान से समझने की कोशिश करिए मैं भारत पेट्रोलियम हूं ठीक है ना प्राइस कौन फिक्स करेगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करेगा मैं उस पर सेल करूंगा गवर्नमेंट ने अगर प्राइजेस बढ़ा दिए तो इससे मुझे फ़ायदा मेरा रेवेन्यू गवर्नमेंट ने अगर प्राइजेस बढ़ा दिए रिट्रोस्पेक्टिवली पिछले तीन महीने से पहले के चार महीने पहले के तो पिछले तीन चार महीने पहले की मुझे रिकवरी होगी अब तो मेरी सेल बढ़ जानी चाहिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उस पर्टिकुलर पिछले टाइम का जो रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है उस टाइम का रेवेन्यू मुझे उसी साल में इंक्रीज करके लिखना चाहिए कि नहीं बोलिए जल्दी बोलो फिर से बोल रहा हूं मान ले हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जनवरी फरवरी और मार्च में कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल किए जो भी पर्टिकुलर रेट होगा मान लो रेट होगा हंड्रेड रुपीज अप्रैल में गवर्नमेंट ने प्राइज इंक्रीज कर दिया हंड्रेड का वन जीरो फाइव कर दिया पांच रुपए से बढ़ा दिया रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम जनवरी इससे फायदा किसको हिंदुस्तान को हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कि बढ़िया है जनवरी फरवरी मार्च में जो सेल किया था उसमें हमें पांच रुपए एडिशनल रिकवर होंगे तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि थर्टी मार्च पे मुझे एडिशनल सेल बुक करना चाहिए क्या पांच रुपए से क्योंकि ये पिछले तीन महीनों का भी है या फिर मुझे एडिशनल सेल बुक नहीं करना चाहिए पहले तो क्वेश्चन समझ लेना भाई क्वेश्चन समझा कि नहीं थर्टी फर्स्ट मार्च को मुझे वो पांच रुपए से जनवरी फरवरी मार्च की एडिशनल सेल बुक करनी चाहिए कि नहीं सवाल ये इसलिए आता है क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज हुआ है अगर एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो मुझे बुक करना चाहिए थर्टी फर्स्ट मार्च को एडिशनल सेल और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो मुझे बुक नहीं करना चाहिए वो पांच रुपए का एडिशनल सेल मुझे नेक्स्ट ईयर में ही बुक करना चाहिए मुझे सिर्फ डिस्क्लोजर देना चाहिए आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है क्या गवर्नमेंट ने जो ये प्राइजेस इंक्रीज किए हैं अनएक्सपेक्टेडली लिखा है वर्ड क्या लिखा है अनएक्सपेक्टेडली मतलब सरप्राइजिंगली ऐसा पता नहीं था एक्सपेक्टेड नहीं था मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट हो ही नहीं रही थी कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज कर देगी अंडरस्टूड और नॉट स्टॉक्स में अचानक से प्राइस बढ़ना वेरी गुड हां यहीं पर अगर मान लो मार्च से ही न्यूज में आ रहा था कि लोग स्ट्राइक पे आ रहे हैं दंगे हो रहे हैं प्राइस नहीं पर ये तो प्राइस बढ़ाना हो रहा है ना मान लो यहीं पर यहीं पर कुछ ऐसा आता कि भाई कंपनीज कह रही हैं प्राइस बढ़ाओ प्राइस बढ़ाओ, बढ़ाओ पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ रही हैं पेट्रोल बेचेंगी नहीं तुम्हारी ऐसी की ते सारे के सारे पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ गए मार्च में ही और न्यूज में आ गया कि ये स्ट्राइक चल रहा है और गवर्नमेंट इस पर कुछ सोचने वाली है तो अपन फिर भी कह सकते थे कि हाँ थर्टी मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज ऑलरेडी स्ट्राइक पे आ चुके थे पेट्रोलियम कंपनीज ने ऑलरेडी सरकार को बोल दिया था कि प्लीज इंक्रीज कर दीजिए प्राइस अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट जरूर मानते अंडरस्टूड और नॉट तो सर फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि थर्टी फर्स्ट मार्च वाले ईयर एंडिंग में हम सिर्फ इसका एक डिस्क्लोजर देंगे और नेक्स्ट ईयर में हम इसका एडिशनल रेवेन्यू बुक करेंगे जो पुराना रेवेन्यू बुक कर दिया है पुराने रेट के हिसाब से हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे हम इंक्रीज वैल्यू जो जो इंक्रीज वैल्यू है डिफरेंस अमाउंट हम उसको एडिशनल रेवेन्यू बुक करेंगे करंट ईयर में मतलब नए साल में बच्चों को क्लियर है कि नहीं जल्दी बोलिए बच्चों को क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर है कि नहीं बोलो क्लियर है कि नहीं इसमें आप एडिशनल ये भी लिख सकते हो कि अगर मार्च एंडिंग से पहले पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ जाते प्राइस बढ़ाने के लिए तो ये एडजस्टिंग इवेंट होता लिख लीजिएगा मार्च एंडिंग से पहले अगर मार्च एंडिंग से पहले अगर पेट्रोलियम कंपनीज स्ट्राइक पे आ जाते तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट कह सकते थे सबको क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं राइट लास्ट बट नॉट द लीस्ट और ये अच्छा क्वेश्चन है अगेन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन पहले ट्राई करें ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करें उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है हाँ जी पढ़ लिया हाँ जी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया कंपनी फॉलोज अप्रैल टू मार्च एज इट्स फाइनेंशियल ईयर कंपनी रिकॉग्नाइज द चेक्स डेटेड थर्टी फर्स्ट मार्च और बिफोर इतना मतलब क्वेश्चन को बेवजह कॉम्प्लिकेट किया गया है स्पीकिंग मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में ना फालतू की कॉम्प्लिकेशन डाली गई है कंपनी का जो ईयर है ना फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल टू मार्च होता है कंपनी रिकॉग्नाइज द चेक्स दर्टी फर्स्ट मार्च और बिफोर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डेबिटिंग चेक्स इन हैंड अकाउंट एंड क्रेडिटिंग डेटर्स अकाउंट ये कह रहा है ये कह रहा है ये कह रहा है कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ यहां होता है ईयर एंड सर करण गप्पे मार रहा है करण मैं बता रहा हूं मैं कल आके तेरे को क्लास से बाहर निकाल लूंगा ठीक है ना मैंने तेरी सीट बदलवा चेंज करवाई थी मैं तेरे को बता रहा हूं मैं अब तेरे को ना बाहर बिठाऊंगा सिर्फ ऑडियो सुनने को मिलेगा तेरे को नलायक फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च में हमें हमारा एंडिंग होता है ये कह रहा है कभी कभार क्या होता है कि ना हमें चेक रिसीव यहां पर हुआ अप्रैल है चल रहा है ये ये अप्रैल चल रहा है यहां हमें चेक्स रिसीव हुए चेक्स रिसीव्ड उन चेक्स की जो डेट होती है डेट होती है उसमें कभी लिखा होता है थर्टी मार्च कभी लिखा होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ठीक है ना और और कभी लिखा होता है ट्वेंटी एट मार्च नलायको तुम सब तुम सबकी बैंड बजाऊंगा मैं कल आके हैं? हाँ? तुम सबकी बैंड बजाऊंगा थर्टी फर्स्ट मार्च एंडिंग है थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद हमें कुछ चेक्स मिले पर उस चेक्स में डेट क्या डली होती है मार्च सर ऐसे क्यों अरे होता है ना यार मान लो मेरे को एक पेमेंट करना है किसी पार्टी को मैंने आज चेक बना के रख लिया और आज की डेट डाल दी पर मैं किसी वजह से वो चेक उसको दे नहीं पाया मैंने उसको दिया नेक्स्ट मंथ में तो डेट तो पिछली वाली डली हुई है ना तो ऐसा कई बार होता है कंपनी कह रही है कि एंड होने के बाद हमें कुछ चेक्स मिलते हैं अच्छा चेक्स का रिसीव होना इज वॉट इट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स चेक्स का रिसीव होना इज अ कलेक्शन फ्रॉम डेटर सिंपली और कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन इट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन तो कंपनी कह रही है कि चेक हमें बैलेंस शीट डेट के बाद मिला पर उस चेक में डेट कौन सी डली हुई है थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी मार्च ट्वेंटी एट मार्च क्योंकि उसमें डेट डली हुई है मार्च वाली तो हम मार्च में एक एंट्री पास करते हैं हम मार्च में एक एंट्री पास करते हैं कि चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हम मार्च में ही एंट्री पास कर देते हैं पगला गए हैं ये लोग मार्च एंडिंग में आप ये कह रहे हो कि आपको पैसा मिल गया क्या आपको सचमुच सचमुच में तक, तक, में मार्च मार्च एंडिंग तक तक चेक मिल चुका था द आंसर इज नो थर्टी फर्स्ट मार्च एंडिंग तक क्या सचमुच में आपको आपके डटर ने पैसा दे दिया नहीं उसने तो आपको अप्रैल में दिया पर सर चेक में डेट तो मार्च की ना अरे भाई वो डेट तो दो महीने पहले की लिख ले वो वो बोल के चल ले मैंने तो ना बना लिया था वो तुम मिले नहीं तुम बहुत बिजी थे तो इसलिए मैंने तुम्हें दिया नहीं ऐसे थोड़ी होता है दीदी मार्च मार्च पे पे क्या तुझे collection क्या तुझे तुझे हुआ नहीं जब एंट्री चेक एंड डेबिट टू डेटर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन Because of the fact that such checks contains the date 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 of March, it is not like that. नहीं ये गलत है पहली बात तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो मार्च के बाद हुआ ना भाई मेरे अब वो क्या बोल रहा है? द चेक्स in hand अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर head कैश एंड कैश इक्वलेंट ऑल चेक्स इन हैंड आर प्रेजेंटेड टू बैंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल में चेक रिसीव होंगे तो हम अप्रैल में तो डालेंगे ना डेट वाले कोई भी हो ऑल्सो रियलाइज इन द सेम मंथ इन द नॉर्मल कोर्स आफ्टर डिपॉजिट स्टेट विथ रीजन वेदर द कलेक्शन ऑफ चेक बियरिंग डेट थर्टी फर्स्ट मार्च और बिफोर बट रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस डेट इज एन एडजस्टिंग एंड हाउ दिस फैक्ट इज टू बी डिस्कलोज पहली बात तो सच बताऊं जवाब अगर स्ट्रेट अवे अगर आपको जवाब चाहिए ना तो पहली बात तो यहां ए एस फोर की कोई कहानी आती नहीं है यहां पर ए एस फोर फॉल ही नहीं हो रहा है यस yes, यहां पर ए एस फोर आ ही नहीं रहा है ए एस फोर बात करता है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दो सिग्निफिकेंट इवेंट विच आर फेवरेबल और अरे भाई ये इवेंट है ही नहीं यार ये ट्रांजेक्शन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज इट अ ट्रांजेक्शन अरे यार अगर तुम कलेक्शन को इवेंट मानना शुरू कर दो तो ऐसे तो सलाह हर ट्रांजेक्शन जो थर्टी मार्च के बाद होता है उसको हर ट्रांजेक्शन को तुम इवेंट बोल दो यार तुम तो हर ट्रांजेक्शन को इवेंट बोल दो ऐसे तो तुम बोलोगे कि ना थर्टी मार्च के बाद मैंने एक पार्टी को सेल किया तो ये भी इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो गया अरे भाई थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद अप्रैल आया अप्रैल में तुमने किसी को सेल किया क्या तुम सेल को भी इवेंट ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बोलोगे क्या तुम बोलोगे कि 31 मार्च के बाद मैंने अप्रैल में सेल किया ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट आउट हो गया पर 31 मार्च को इसके कोई सरकमस नहीं थे तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे पर 31 मार्च को ना डिस्क्लोजर करेंगे कि हमने इतना सेल किया अरे कभी ऐसा होता है क्या रही अरे पागल हो गए क्या नॉर्मल ट्रांजेक्शन को तुम इवेंट का क्यों इवेंट uh, को क्यों क्यो मान इवेंट क्यों मान रहे हो नॉर्मल ट्रांजेक्शन को तुम ए एस फोर में क्यों लेके जा रहे हो इट इज जस्ट अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन वी हैव कलेक्टेड द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स दिस शुड नॉट बी कवर्ड अंडर ए एस फोर बट अगर मुझे इसको ए एस फोर के हिसाब से ही आंसर करना है देन इट कैन बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट 31 मार्च को मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा 31 मार्च को मैं जो ये एंट्री कर रहा हूं ये गलत एंट्री है क्या 31 मार्च को मुझे सचमुच में चेक मिल चुका था क्या नहीं तो उस पर डेट तो कुछ भी लिखी हो जाए यार डेट लिखने से क्या होता है तो पहली बात तो रियलिटी में ये जो आ, इसका जो आंसर बनता है इसका आंसर ए एस फोर में फॉल होता ही नहीं है This is not an event which should be covered under AS4. This is simply a transaction that is collection of collection from debtors, realization from debtors in the next year. It should be simply simply recorded in the next year. Even no disclosure is required in the financial statements uh, which are which are finalized, which are going to approved. No, no disclosure required. Even no disclosure is required in the report of approving authority also. Approving authority ki report may be disclosure nahi hona बट अगर हमें इसका आंसर ए एस फोर के अकॉर्डिंग ही देना है तो मैं बोलूंगा कि यस कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट मान लो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इवन इसका डिस्क्लोजर भी नहीं होना चाहिए आइए हम पढ़ते हैं इसका आंसर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया इवन इफ द चेक्स बियरिंग डेट थर्टी फर्स्ट मार्च और बिफोर द चेक्स रिसीव्ड आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च डू नॉट रिप्रेजेंट एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट द कलेक्शन ऑफ चेक्स आफ्टर बैलेंसी डेट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट चैक्सवैलेंस डेट शुड भी अकाउंटेड इन पीरियड इन विच दे आर रिसीव इवन दो द सेम ऑफ डेटेड मार्च और बिफोर मोर ओवर द कलेक्शन ऑफ चैक्सर बैलेंस डेट डॉट डीप्रेजेंट एनी मटेरियल चेंज अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑन द बैलेंस शीट डेट सो नो डिस्कलोजर इज नेरी आंसर उसने भी वही दिया है कि यह कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है इसका इवन कोई डिस्क्लोजर भी नहीं होगा भाई कलेक्शन नॉर्मली हो गया बात खत्म ना इसका क्या तुम डिस्क्लोजर करोगे रे ऐसे तो ऐसा तो मार्च के टाइम मार्च के बाद तुम अप्रैल में अगर तुम एक नई मशीन खरीदने जा रहे हो तो हर चीज का तुम डिस्क्लोजर क्या मार्च एंडिंग में दोगे क्या स्वाति मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं वैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कायदे से आप दो मिनट खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए उसका आंसर बहुत ही सिंपल है बट मैं आपके क्वेश्चन पे बाद में आ रहा हूं पहले मुझे आंसर आप सबसे चाहिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं मी ये समझ में आया कि नहीं मैं लिखूंगा एज पर माय ओपिनियन आप लिखोगे एज पर टीचर आवर टीचर ओपिनियन दिस इज सिंपली अ ट्रांजैक्शन नॉट एन इवेंट एंड हेंस एस फोर वुड नॉट बी अप्लीकेबल सर अगर चेक मिलता मार्च में एंड क्लियर अप्रैल में होता तो, तो आपको रिकवरी मार्च में हुई और अगर रिकवरी मार्च में हुई तो आप एंट्री मार्च में कर लेते क्लियर तो वो बाद में कभी भी हो

पर सर चेक क्लियर तो नहीं हुआ ना अरे क्लियर नहीं होता तो उसके लिए तो बैंक रिको बनेगा ना ठीक है क्लियर इसी के साथ हमारा एस फोर कंप्लीट हो गया इसी के साथ हमारा एस फोर कंप्लीट हो गया ऑलराइट हमारा ए एस फोर कंप्लीट हो गया इसी के साथ हमारा ए एस फोर कंप्लीट हो गया चलिए बताइए आपको कोई डाउट आपको कोई डाउट कोई डाउट आप एक बार देख लीजिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक बार मैं सब दिमाग में सीधा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हर शिक्षा हर शिक्षा खंडिलवाल जल्दी बोलिए ए एस फॉर इट्स डन ओवरऑल आपका ए एस फोर कवर अप हो गया अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अगर आपको कभी भी कोई ए एस पढ़ने के बाद कभी रिविज़न करना हो आप फालतू बैठे हैं घर पे. फालतू तो क्या बैठोगे घर पे? ठीक है ना आप कुछ आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है पर पढ़ने का मन कर भी रहा है कभी कबार ऐसा होता ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है पर गिल्ट फील हो रहा है कि क्यों ना मतलब पढ़ूंगा नहीं तो गिल्ट फील होगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखा रहा हूं जैसे हमने ये ए एस फोर कवर किया ठीक है जैसे हमने ये ए एस फोर कवर किया तो ए एस फोर कवर करने के बाद जो आपको मैंने चार्ट बुक दी है ये, वो चार्ट बुक में आप ए एस फोर जाके ओपन करेंगे आज नहीं आज नहीं आप मान लीजिए पांच दस दिन आपको हो गए पंद्रह बीस दिन हो गए आपको आपको सिर्फ आप एक अपना एक आप एक टाइम टेबल बना लीजिए आप अपना एक रूल बना लीजिए कि जैसे ही मेरा कोई ए एस कंप्लीट होगा मैं हर हफ्ते के बाद या हर संडे संडे मैं उसको चार्ट बुक से रिवाइज करूंगा तो आप जैसे ही चार्ट बुक पे जाएंगे ना आप जैसे ही चार्ट बुक पे जाएंगे मैं अस्मित आपकी बात पे आ रहा हूं आपके डाउट पे आप जैसे ही चार्ट बुक पे आएंगे देखो क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ दैट इवेंट क्या होता है इवेंट को इसको मैंने टाइमलाइन के फॉर्म में समझाया है ठीक है ना उसमें फिर नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं फिर उसके मैंने टाइम बताया टाइप ऑफ इवेंट कौन कौन से होते हैं एडजस्टिंग इवेंट होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है ये इनकी डेफिनेशन बताई गई है ठीक है ना उसके बाद फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया कि एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है फिर मैंने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं कि डिविडेंड और गोइंग कंसर्न का केस क्या होगा और मैंने कुछ एग्जांपल्स एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के दे दिए आपको मैंने बताया था कि कभी कभार इंस्टीट्यूट आपसे आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पूछेगा कि राइट एनी ऑफ टू और थ्री और फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट आपका सिंपली अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो आप दस मिनट के अंदर अंदर ए एस को रिवाइज कर सकते हो थ्रू दिस चार्ट हार्डली टेन मिनट्स हार्डली टेन मिनट्स और अगर आपको इसका अगर आपको इसका वो चाहिए अगर आप इसको आपको इसका वो चाहिए क्या बोलते हैं आपको इसका लेक्चर चाहिए तो लेक्चर इसका यूट्यूब पे डला हुआ है चार्ट रिविजन का बेस्ट आया समझ में कि नहीं चलिए सर एक डाउट है सपोज मार्च में गाइडलाइन आई कि पंद्रह अप्रैल से तीस अप्रैल तीस तक कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है पंद्रा मार्च पंद्रह मार्च में एक गाइडलाइन आई कि पंद्रह अप्रैल से तीस तक लॉकडाउन लगने वाला है जिससे बिजनेस बंद रहेंगे और कंपनी की रिपोर्टिंग डेट जुलाई फर्स्ट है कंपनी की की रिपोर्टिंग देट, रिपोर्टिंग देट, रिपोर्टिंग डेट, डेट, डेट अप्रूवल डेट तो सर जो कंपनी को लॉस होगा लॉकडाउन से उसकी अकाउंटिंग करेंगे या नहीं मुझे उसमें यह बताओ मुझे उस केस में यह बताओ कंपनी का ईयर क्या है कंपनी का ईयर एंडिंग डेट क्या है और कंपनी का अप्रूवल क्या है अप्रूवल डेट क्या है मेरे हिसाब से ईयर एंडिंग डेट होगा थर्टी फर्स्ट मार्च और अप्रूवल्ड होगा जुलाई ठीक है ना और आई थिंक अनाउंसमेंट कब आई मार्च में गाइडलाइन आई गाइडलाइन यहां आई मार्च में कि लॉकडाउन लगेगा लॉकडाउन लगेगा ठीक है ना जिससे बिजनेस बंद रहेंगे ठीक है तो सर कंपनी को लॉस होगा लॉकडाउन से उसकी अकाउंटिंग करेंगे या नहीं नहीं करेंगे कभी भी फ्यूचर के ऑपरेटिंग फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी प्रोविजन क्रिएट नहीं होता नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड कभी भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस फ्यूचर में होने वाले ऑपरेटिंग बिजनेस लॉसेस ऑपरेटिंग लिख दिया मतलब बिजनेस लॉसेस फ्यूचर में होने वाले ऑपरेटिंग लॉसेस का कभी भी हम प्रोविजन पहले से नहीं बना के चलते सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अरे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब आपका पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है भाई आप कोई ट्रांजेक्शन पास्ट में कर चुके हो जिसका नुकसान आपको आज दिख रहा है यहां तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुए वो तो सबको दिख रहा है बिजनेस बंद होंगे नुकसान होगा वो ठीक है पर कोई ट्रांजेक्शन से नुकसान हो रहा है क्या नहीं ना ये तो लॉकडाउन से नुकसान हो रहा है मतलब आगे हर, आगे चल के पंद्रह दिन हम बिजनेस करेंगे ही नहीं बिजनेस ही नहीं करेंगे तो कोई सेल नहीं होगी कोई एक्सपेंस नहीं होगा तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ ना ये रियल लॉस थोड़ी हुआ तो नो ऑपरेटिंग फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन कभी नहीं बनता सर ये कहां लिखा हुआ है ये AS29 में लिखा हुआ है ए एस ट्वेंटी आपको कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन क्रिएट करो तो इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी ऑल right. इसकी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगी ठीक है और बोलिए और बोलिए और कोई डाउट और बोलिए और कोई डाउट हुआ कि नहीं चलिए तो यहां पर होता है हमारा ए एस फोर खत्म आज की क्लास मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं वी विल कंसिडर दिस क्लास एज द फर्स्ट पार्ट और जो हम कल क्लास लेंगे उसको हम सेकेंड पार्ट मानेंगे नंबरिंग यही रहेगा अब हो सकता है कल की क्लास को रिकॉर्ड करके मैं दोनों को मर्ज कर दूं ऑनलाइन डाउनलोड पेनड्राइव वालों के लिए या फिर पार्ट ए पार्ट बी दिखे वो जो भी होगा आप मैं देख लीजिएगा आपके आपको समझ आ जाएगा बट अभी मैं यहीं पर छुट्टी कर रहा हूं ठीक है इंजॉय करिए यहीं पर मैं छुट्टी कर रहा हूं नया टॉपिक ए एस फाइव मैं चाहूँ तो यहां पर अभी शुरू कर सकता हूं बट आज मुझे थोड़ा सा जल्दी छुट्टी जरूरी करना था आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिसको मैं डिले नहीं कर सकता हूं तो आज का हम यहीं पर क्लास ओवर कर रहे हैं और कल हम मुलाकात करेंगे फेस टू फेस ठीक है जैसे हमारा क्लासेस होता है कल भी ऑनलाइन है क्या नहीं कल ऑनलाइन नहीं है कल जैसे मिल... कल जैसे क्लास रहता है वैसे का वैसा रहेगा तो कल जैसे क्लास रहता है वैसे का वैसा रहेगा ठीक है और कल हम स्टार्ट करेंगे ए एस फाइव आज की क्लास को मैं इस लेक्चर को मैं पार्ट वन कह रहा हूं और जो कल लेक्चर होगा वो पार्ट टू होगा ऑल राइट right? जो कल का लेक्चर होगा वो पार्ट टू होगा चलिए सर लाइव स्ट्रीमिंग कब शुरू होगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग की इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है मतलब कम से कम फेस टू फेस स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो खुशी का चेहरे तो दिखा दो कि हां मतलब छुट्टी सुन के खुशी आ गई होगी कि चलो बढ़िया है आज तो जल्दी घर जाने को मिलेगा एटलीस्ट मतलब वो जो, वो जो खुशी वुशी जो छुआरे लूटो छुआरे लूटो टाइप का जो एक माहौल होगा वहां पर जहां बैठे हो तुम लोग तो एटलीस्ट यार मतलब छुट्टी मतलब जल्दी छुट्टी दे दी है मतलब खुश तो अप्रीशिएट करो अपने फैकल्टी को रे कि हाँ सर आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, है? चलो सो यस एस फाइव हम कल शुरू करेंगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे अभी के लिए हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं ठीक है अभी के लिए हम क्लास यहीं पर ओवर करते हैं <laughs> <laughs> खुशी के आंसू आ गए तुम लोगों को अच्छा चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच अभी के लिए इतना ही हम मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पर और फेस टू फेस तो क्लास जैसे होता है वैसा का वैसा रहेगा चलिए बाय बाय थैंक यू सो मच जय माता दी अल्लाह हाफिज़ टेक केयर सॉरी